दिस इज़ मनीष शर्मा एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू जर्नी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम. एक्चुअली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बॉर्न इन 1888 एंड डिमाइस्ड ऑन 1975. ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट फिलोसोफर. He presented Hindu philosophy and Indian viewpoint to the world through his literary works. His writing style is very simple, intelligible, prose style. And his famous works like One, An Idealist View of Life, these are the collection of his lectures. Second, Indian Philosophy, published in 1923 and later it published in second time 1927. Third is The Hindu View of Life, published in 1932. An Idealistic View of Life was published in 1932. And fifth, Eastern Religion and Western Thought, published in 1939. Thank you. दोस्तों, ये जो व्यू है इनका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, बड़ी वेल नोन पर्सनैलिटी रही हुई हैं, जिनका जन्म 1888 में हुआ था और 1975 में यानी 1975 में इनकी डेथ हुई थी. ये एक बहुत फेमस फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट रहे हुए हैं. इनका जो फिलोसफी है, जो हिंदू फिलोसफी और इंडियन व्यू पॉइंट के आधार पर इन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों को भारतीय जो सभ्यता है, संस्कृति है या जो साहित्य है उसके दर्शन कराए. इनकी राइटिंग स्टाइल काफ़ी साधारण रही, इंटेलिजिबल रही और बहुत अच्छी इनकी प्रोज स्टाइल थी. इनके कुछ फेमस वर्क्स जो हमने देखे, ये लगभग 4-5 की हमने चर्चा की, जिनमें से एक है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ये जो कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स था. इसके बाद था इंडियन फिलोसफी, 1923 में पब्लिश हुआ था. और ये जो सेकेंड टाइम में पब्लिश हुआ था 1927 के अंदर, एक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ 1932 के अंदर आया था. फिर एक था एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ 1932 में आया था. एंड ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थाट, ये भी पब्लिश हुआ था उनका 1939 के अंदर. तो ये कुछ बेहतरीन चीज़ें हैं जिनको अक्सर करके वो सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछता है. तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो, हमारा ये जो सेशन, पसंद आया होगा. थैंक यू.